साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से सब्जियों का संकट गहरा सकता है। एक बार फिर गुरुग्राम वासियों को सब्जियों के लिए महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल गुरुग्राम की एकमात्र सब्जी मंडी यानी अनाज मंडी में लगने वाली आढ़तियों के ठिकानों को मार्केट कमेटी गुरुग्राम ने जमींदोज कर दिया है, जिससे आढ़तियों समेत कई हजार सब्जी विक्रेताओं की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बिल्कुल गहरा सकता है जी। जो चीज मार्केट में हमारे यहाँ 10 रुपए किलो बिक रही है, पहले भी जब हड़ताल हुई थी उसमें भी 50, 60, 70, 80, 100 रुपए किलो तक सब्जी बिक चुकी थी और अब भी यही हाल होगा। तो क्या जब किसानों का माल ही यहाँ नहीं आएगा, किसानों के माल की दुर्गति होने लग रही है। किसानों के पास हमारा पैसा भी गया हुआ है, यहाँ व्यापारियों के पास भी जो छोटे खुदरा व्यापारी हैं उनके पास भी हमारा पैसा गया हुआ है, उधार नहीं आ पाएगी। इन कारणों से अब ये सारी मंडी को उजाड़ दिया गया है। अब ये 20,000 परिवार जो उजड़े हैं, अब ये कहाँ जाएंगे? क्या नाम आपका? भूप सिंह है। भूप सिंह जी, किस तरह की कार्रवाई आज ये हुई है, आप क्या कहेंगे? भाई साहब, उधर देखो, भाई साहब उधर सामने। ये हमारे यहाँ करीब 250-300 जो आढ़तियाँ काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, 32 साल सबको लाइसेंस मिला, मार्केट कमेटी अधिकारी ने हमें बैठाया था और सभी करीब 4-5 लाख आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, जो छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो। लेकिन इन्होंने बहुत हमारे साथ अन्यायपूर्वक हमें कायरतापूर्ण ही काम किया मार्केट कमेटी वालों ने। इन्होंने कोई हमें लिखित में कोई नोटिस भी नहीं दिया, भाई तुम्हारे को हमको दुकान देंगे या ऐसा करेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ गलत नीतियाँ करके बहुत गलत काम कर दिया सर। और करीब 5 लाख आदमी रोजी रोटी का सवाल था, इन्होंने सारा हमारी दुकान को तोड़ दिया और सब बेघर हो गए हैं, सबकी रोजी। इनका ये कहना था कि लाइसेंस नहीं है आपके, लाइसेंस कहीं और के हैं, काम कहीं और नहीं। ये कुछ लोगों ने एक्रोचमेंट कर रखी थी, मानता हूँ इन एक्रोचमेंट पर इनको स्टेप लेना था, लेकिन हमारे जिन लोगों को लाइसेंस दे रखे हैं, जो स्टेप वाइज लोगों ने बैठा रखे हैं, एक्रोचमेंट पर कार्रवाई करनी थी। ये कहते चने के साथ घुन पीसने वाला काम हो गया। बहुत सी आड़ती जो एक्रोचमेंट फजूल जो बैठे हुए हैं, इनको पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारे आड़तियों पर भी इन्होंने कार्रवाई करके हमारी रोजी रोटी छीन ली इन लोगों ने। ठीक। ये मैम किस तरह की तोड़फोड़ है आज, ये कहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं आप? ये तोड़फोड़ नहीं है, ये हम अपना कब्जा अपनी सरकारी जमीन पर कब्जा डाल रहे हैं। कहाँ की सरकारी जमीन है? मंडी की। तो मैम इनका ये आरोप था कि पहले जो है इनको बसाया जाना चाहिए था या फिर कहीं जगह प्रोवाइड कराई जानी चाहिए थी, उसके बाद जो है इन लोगों को शिफ्ट किया जाता है, इसके बाद इस तरह की कार्रवाई तर्कसंगत होती? तर्कसंगत क्या है, सबके लाइसेंस बाहर के हैं, इन सभी के लाइसेंस जो है वो नहीं है यहाँ पे। तो मैम इतने सारे लोगों को जो उजाड़ा गया है या फिर जो रोजी रोटी थी इनकी उसके ऊपर जो है संकट जो है खड़ा हो गया है, इस बारे में क्या जिला प्रशासन ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी या फिर इन लोगों से कोई बातचीत करने की कोई? बिल्कुल बातचीत की थी इनसे, इनसे प्रॉपर बातचीत की गई थी। 3 महीने से हम बातचीत ही कर रहे थे इनसे। हाँ जी। कि भाई आपको हम जैसे आप कहते हो वैसे करेंगे। हाँ जी। आप आधा बनवाना चाहते हो आधा बना देंगे, हम यहाँ पर बना रहे हैं शेड, कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड बनाएंगे। हाँ जी। तो हमने इनको सारी सुविधाएं दी थी, सारी बातचीत करी थी, मगर ये किसी बात पे एग्री नहीं किया। कुछ किसानों ने भी इस चीज को लेकर जो है एक आपको लेटर दिया था कि पहले जो है वो हमारी समस्याओं को भी देखा जाए, आड़ती नहीं रहेंगे तो फिर कौन खरीदेगा उनकी सब्जी? उन्होंने कहा था हम खुद बेच लेंगे अपनी सब्जी।